शैतवान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे प्यारे बहनों भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के साथ हमारा फेसबुक जो पेज है वो भी सब्सक्राइब कर लें, यानी उसको भी फॉलो करें। वहाँ पर भी अच्छी अच्छी बातें, नक्श और वज़ाइफ पेश किए जाते हैं। अगर आपने फेसबुक को लाइक पेज को लाइक नहीं किया तो वो कर लें, ताकि वहाँ पर आप आसानी से आ सकें। आज मैं आपको जो वजीफा बताने लगी हूँ, बहुत प्यारा, बहुत लाजवाब वजीफा है। हर हाल में जो है 11 दिन के अंदर अंदर अगर आपसे कोई आपका प्यारा रूठ गया है, नाराज है, आप उसको मुसख़र करना चाहते हैं या फिर आप उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपसे कभी नाराज़ ना हो, कभी आपसे दूर ना जाए, कभी आपसे जुदा ना हो, तो उसके लिए ये वजीफ़ा लाजमन करें। क्योंकि अल्लाह पाक को सबसे प्यारा जो अमल है ना, वो मोहब्बतों का मिलाप का लगता है, और सबसे बुरा जो अमल है वो जुदाई का, तलाक का, या फिर एक दूसरे के दिल को तोड़ने का लगता है। तो बस इसी नियत से ये वजीफे पेश किए जा रहे हैं कि हो सकता है आपके प्यारे आपसे मिल जाएं, आपके नाराज हाल जो अजीजों कारिब है वो आपसे मिल जाएं, तो ये अमल जरूर करें। जो तरीका जैसे हम आपको बताएंगे, अगर आप वैसे करते हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप कामयाब भी हो जाओगे और हर हाल में आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप किसी को, मतलब कि अगर ये ऐसा वजीफा है कि आप अगर, मतलब कि दुनिया के किसी भी शख्स को अपने पास बुलाना चाहते हो या उसको मुसख़र करना चाहते हो, तो ये वजीफा बहुत बेहतर है, बहुत आला है, बहुत प्यारा है। अब आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, तुआ का वजीफा, ता का वजीफा, सेम इसी तरह ये अमल है, जैसे वो अमल था इसी तरह ये भी अमल आपको मैं तरीका बताती हूँ। अब जो तौ है ना, ठीक है, आपने जो है एक मुरक्कब खाने के अंदर 50 मरतबा, ठीक है, तौ लिख लेना है, तौ लिख लेना है। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, ज्यादा आग लगाना चाहते हैं, तो तौ को जो है 92 मरतबा लिखिए। अगर उससे भी ज्यादा आग लगाना चाहते हैं तो फिर आप 786 मरतबा लिखें, ठीक है, बिस्मिल्लाह के नाम का लिखें। तो आपने लिख लेना है, ठीक है। अगर तो आप अपने कोई आपका जो प्यारा है वो आपके पास है या आता जाता है या आपसे नाराज है, तो अगर ये नक्श बना के इसको 1 सेकंड पानी में रख के बाहर निकाल लिया जाए, ये जितनी आपने उसको मोहब्बत पैदा करनी है या फिर आप इसको, मतलब कि चाहते हो कि ये बहुत ज़्यादा काम करे और वो उसके अंदर आग लगा रहे कि वो मुझे भूल ना पाए, मुझे छोड़ ना पाए, उसको मेरी एक एक बात याद आए, तो फिर आपने इसके लिए क्या करना है कि आपने उसको पानी में थोड़ी देर और रखना है, जितना आप बढ़ाना चाहते हो उतना, लेकिन ज़्यादा नहीं करें, तो ज़्यादा जो प्यार होता है या रहता है ये अच्छा इतना भी नहीं होता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पानी के अंदर उसको रखना है बस। अब पानी में, जब तक वो पानी में रहेगा, आपका जो प्यारा है वो बरकरार और ऐसे पागल हो जाएगा, जैसे कि वो कहेगा कि बस मैंने आप ही से मिलना है, ठीक है। जब तक वो आपसे मिल नहीं लेगा तब तक वो आपको, उसको सुकून नहीं आएगा और आपकी जान नहीं छोड़ेगा। जब और इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी, इतनी मोहब्बत पैदा हो जाएगी कि आपकी सूझ है। एक दफ़ा ये वजीफा ज़रूर कीजिएगा। तो इसको कहते हैं तौ का वजीफा, ता यानी मोहब्बत को बुलंद करने वाला वजीफा, ता ठंडा लफ्ज़ होता है, और इसका जब नक्श तैयार होता है तो ये जलाली हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि नक्श हम आपको तैयार करके दें, तो आप ज़रूर हमें बताएं, कमेंट्स बॉक्स में आके नक्श का थोड़ा सा हदिया है वो आपको देना होगा। अमल की इजाज़त के लिए भी आप हमसे इजाज़त लिए कि अमल या कोई वजीफा करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि हम आपके लिए दुआ और आपको सपोर्ट कर सकें। और ये सिर्फ एक ही दफ़ा, मतलब कि तैयार किया जाता है। अगर ज़्यादा मतलब कि मोहब्बत पड़ती है तो फिर ये सबको बाहर निकाल लें, ठीक है, और इंशाल्लाह करें एक ही दफ़ा में आपको फ़र्क पड़ जाएगा इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वजीफा पसंद आए तो हमारे पेज जो है, फेसबुक जो पेज है, उसको लाइक करें, ताकि आपको वहाँ अच्छे अच्छे नक्श और दुआएं मिल पढ़ने को मिले, अहदीसें और अमलियात वहाँ पर भी पोस्ट होते हैं। इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।